प्लूमोथ, ये भी ऑर्डर लैपटॉप टेरा के ही मेंबर है, टेरो 480 फैमिली के। इनका डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो ये जितने भी रेड ग्राम ग्रोइंग एरियाज हैं, जस्ट लाइक आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मेनली मध्य प्रदेश। इनका अपेरेंस जो है ये काफ़ी छोटे साइज के इंसेक्ट होते हैं, ये लगभग 12 मिलीमीटर लंबे, दैट मीन्स 1.2 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। मोथ सिलेंडर होता है, सिलेंड्रिकल होता है, और इनका जो विंग है ये ग्रेइस कलर का होता है। फोर विंग्स आर डिवाइड इनटू टू पार्ट एंड हाइंड विंग्स इनटू थ्री पार्ट एंड प्रोवाइडेड विथ फ्रिंग्ड लाइक बॉर्डर। इनके विंग्स में फ्रिंग्ड बॉर्डर होता है। अ फुली ग्रोन कैटरपिलर इज़ अबाउट 12 mm लॉन्ग, ग्रीनिश ब्राउन एंड आर फ्रिंग्ड विथ शॉर्ट हेयर एंड स्पाइंस ऑल ओवर द बॉडी। दिस इज द पीक ऑफ रेड ग्राम प्लूम मोथ। अगर हम इनकी लाइफ साइकिल की बात करें तो इंसेक्ट्स जो है प्लूम मोथ बहुत ही छोटे सिंगल अंडे देते हैं फ्लावर बर्ड्स या फिर पोड्स के ऊपर में। इनका जो एक पीरियड है ये 4 से 5 दिन का होता है। लार्वा लगभग 25 दिन में, 20 से 25 दिन में लार्वा 6 इंस्टार कंप्लीट करती है। उसके बाद में ये प्यूपेशन में, पोड के अंदर ही प्यूपेशन में चले जाते हैं। प्यूपेशन इज ऑन पोड सरफेस और बरोज इन इन्फेस्टेड पोर्ट्स, दैट मीन्स ये इन्फेस्टेड पोर्ट के अंदर ही या फिर उसके जस्ट बाहर में प्यूपेशन में चले जाते हैं। प्यूपेशन इज ऑल्सो थिंग एंड शॉर्ट हेयर्स। प्यूपल पीरियड इज ऑफ अबाउट 4 to 8 days एंड टोटल लाइफ साइकिल इज अबाउट 40 days। नेचर ऑफ डैमेज, पोट के फली के ऊपर दिए हुए अंडे या फिर फ्लावर के ऊपर दिए हुए जो अंडे होते हैं उसमें से न्यूली हैच लार्वी, न्यूली हैच कैटरपिलर पोट को स्क्रैप करके, उसके पोट के सरफेस को स्क्रैप करके उसमें एक छोटा सा होल बनाते हैं और उसके अंदर एंटर कर जाते हैं। एंटर करने के बाद में सीड को पूरी तरह से फीड करते हैं, सीड को नष्ट कर देते हैं। ये इंसेक्ट ग्रीन सीड को फीड करते हैं, सॉरी ग्रीन पॉड के अंदर में बन रहे सीड को फीड करके उसको पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। इनके सिम्टम्स हमको स्मॉल होल के रूप में दिखाई देता है सीड के ऊपर, या फिर पॉड के ऊपर हमको छोटे छोटे छेद दिखाई देते हैं, स्मॉल होल्स दिखाई देते हैं। और अगर अंदर से उसको खोल के देखें तो पूरे जिस पोर्ट में छेद होता है उसके अंदर के पूरे सीड इनके द्वारा खा लिए गए होते हैं। इनके मेजरमेंट के लिए हमको कैटरपिलर को कलेक्ट करके फिजिकली मारना चाहिए। इसके अलावा कुछ पैरासिटॉइड्स जो हैं जस्ट लाइक ट्राइकोग्रामा, उनको हम फील्ड में रिलीज कर सकते हैं। फोलियर स्प्रे कर सकते हैं हम क्विनॉल फोस या फिर कार्बोरिल का।